गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, पहले हमने इसका लेसन नंबर 7 रीड किया हुआ है। आज हम इसकी BX और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे और साथ में उन्हें लर्न भी करेंगे। नाउ वी रीड, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन ठीक है उसके सामने टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट है सेवरल फैमिलीज मेक अ, कई परिवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं कई परिवार मिलकर? नेबरहुड, पड़ोस, स्कूल विद्यालय या फिर मार्केट बाजार। क्या बनाते हैं कई परिवार मिलकर? नेबरहुड, कई परिवार मिलकर पड़ोस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड कीप आवर नेबरहुड, हमें अपना पड़ोस रखना चाहिए। क्लीन साफ, डर्टी गंदा, टीडी साफ। तो कैसा रखना चाहिए हमें अपना पड़ोस? क्लीन, क्लीन का क्लीन पर टिक का निशान। नंबर 3 है वी शुड हेल्प आवर नेबरहुड इन, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। रीडिंग पढ़ते वक्त, नीड जरूरत के टाइम या कुकिंग फूड के वक्त। तो कब करनी चाहिए? जब नीड, जब उनको ज़रूरत हो तब हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगेन रीड, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है सेवरल फैमिलीज मेक अ, कई परिवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेबरहुड, पड़ोस, स्कूल या फिर बाजार। क्या बनाते हैं कई परिवार मिलकर? पड़ोस बनाते हैं, तो इसलिए नेबरहुड पर टिक का निशान। नंबर 2 है वी शुड कीप आवर नेबरहुड, हमें अपने पड़ोस को रखना चाहिए। क्लीन साफ, डर्टी गंदा या फिर टाइडी। कैसे रखना चाहिए? क्लीन साफ, तो क्लीन पर टिक का निशान। नंबर 3 है वी शुड हेल्प आवर नेबर्स इन, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। रीडिंग पढ़ने में, नीड जरूरत में, कुकिंग भोजन में। तो कब मदद करनी चाहिए? नीड जरूरत पड़ने पर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं जो हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से। फर्स्ट है मैनी फैमिलीज लिव इन अ, कई परिवार में रहते हैं। किस में रहते हैं? नेबरहुड, पड़ोस में। एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एच डबल ओ डी, नेबरहुड, कई परिवार पड़ोस में रहते हैं। नंबर 2 है वी शुड हेल्प आवर डैश, हमें अपने की मदद करनी चाहिए। किसकी मदद करनी चाहिए? नेबर्स की, पड़ोसी की। एन ई आई जी एच पी ओ यू आर, नेबर, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। नंबर 3 है नेबर्स डैट ईच अदर एवरी डे, पड़ोसी रोज एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तो क्या आएगा? ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है बधाई, जी आर डबल डी टी, पड़ोसी रोज एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। नंबर 4 है वी शुड कीप आवर नेबरहुड, हमें अपने पड़ोस को रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? क्लीन साफ। तो क्या आएगा? सी एल ई ए एन, क्लीन, हमें अपने पड़ोस को साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स लिखने हैं यहाँ पे। फर्स्ट है ए गुड नेबरहुड इज लाइक वन बिग फैमिली, एक अच्छा पड़ोस एक बड़े परिवार की तरह होता है। तो क्या आएगा? ट्रू। नंबर 2 है नेबरहुड डोंट सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, पड़ोसी एक साथ त्योहार नहीं मनाते। तो क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि एक साथ त्योहार मनाते हैं। नंबर 3 है वी शुड टीज आवर नेबरहुड, हमें अपने पड़ोसियों को परेशान करना चाहिए। तो क्या आएगा? फॉल्स। नंबर 4 है ए गुड नेबरहुड इज अ कर्स, एक अच्छा पड़ोस एक अभिशाप है। तो क्या आएगा? फॉल्स। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन, हमें अपने आस पड़ोस को साफ रखना चाहिए। तो क्या आएगा? ट्रू। अगेन रीड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं जो हमारे पास वर्ड्स गिवन है उसमें से। फर्स्ट है मैनी फैमिलीज लिव इन अ नेबरहुड, क्या आएगा इसमें? नेबरहुड, कई परिवार पड़ोस में रहते हैं। नंबर 2 है वी शुड हेल्प आवर,
हमें अपनों की मदद करनी चाहिए, किसकी मदद करनी चाहिए, नेबर पड़ोसी की, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। नंबर 3 है नेबरहुड्स डैश ईच अदर एवरी डे, पड़ोसी रोज एक दूसरे को देते हैं, क्या देते हैं, ग्रीट, बधाइयां देते हैं। नंबर 4 है वी शुड कीप आवर नेबरहुड, हमें अपने आस पड़ोस को रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, क्लीन, साफ, तो क्लीन तो क्या आएगा इसमें, क्लीन, CLEAN। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स लिखना है यहाँ पे। नंबर 1 है ए गुड नेबरहुड इज लाइक वन बिग फैमिली, एक अच्छा पड़ोस एक बड़े परिवार की तरह है, तो क्या आएगा, ट्रू। नंबर 2 है नेबरहुड डोंट सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, पड़ोस एक साथ मिलकर त्योहार नहीं मनाता, तो क्या आएगा, फॉल्स। नंबर 3 है वी शुड टीस आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों को परेशान करना चाहिए, तो क्या आएगा, फॉल्स। नंबर 4 है ए गुड नेबरहुड नेबर इज अ कर्स, एक अच्छा पड़ोस एक अभिशाप है, तो क्या आएगा, फॉल्स, जो एक अच्छा पड़ोसी है वो क्या एक अभिशाप के रूप में है, तो क्या आएगा, फॉल्स। नंबर 5 है वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन, हमें अपने आस पड़ोस को साफ रखना चाहिए, तो क्या आएगा, ट्रू। नाउ वी रीड क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए नेबर, पड़ोसी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए नेबर, पड़ोसी से आप क्या समझते हैं। आंसर इज द पीपल हु लिव अराउंड अस आर कॉल्ड आवर नेबर्स, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वह हमारे पड़ोसी हैं। द पीपल हु लिव अराउंड अस आर कॉल्ड आवर नेबर्स, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वह हमारे पड़ोसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ नेबरहुड, पड़ोस क्या है, व्हाट इज अ नेबरहुड, पड़ोस क्या है। फैमिलीज विच लिव अराउंड आवर हाउस मेक अप आवर नेबरहुड, हमारे घर के आसपास रहने वाले परिवार हमारे पड़ोस का निर्माण करते हैं। फैमिलीज विच लिव अराउंड आवर हाउस मेक अप आवर नेबरहुड, हमारे घर के आसपास रहने वाले परिवार पड़ोस का निर्माण करते हैं। अगेन रीड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए नेबर्स, पड़ोसी से आप क्या समझते हैं। आंसर इज द पीपल हु लिव अराउंड अस आर कॉल्ड आवर नेबर्स, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वह हमारे पड़ोसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ नेबरहुड, पड़ोस क्या है। फैमिलीज विच लिव अराउंड आवर हाउस मेक अप आवर नेबरहुड, हमारे घर के आसपास रहने वाले परिवार हमारे पड़ोस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द नेबरहुड हेल्प ईच अदर, पड़ोसी एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। हाउ डू द नेबर्स हेल्प ईच अदर, पड़ोसी एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। आंसर इज नेबर्स हेल्प्स अस बाय शेयरिंग आवर जॉयस एंड सोरोस, पड़ोसी हमारे सुख दुख को साझा करके हमारी मदद करते हैं। नेबर्स helps us by sharing our joys and sorrows, पड़ोसी हमारे सुख दुख को साझा करके हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should you do to keep your neighborhood clean, आप अपने पड़ोस को साफ रखने के लिए क्या करते हैं, या अपने पड़ोस को साफ रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आंसर इज टू कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट, प्लांट मोर ट्रीज एंड नॉट कट ग्रीन ट्रीज
और प्लक फ्लावर्स। अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखने के लिए हमें गली में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। टू कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन स्ट्रीट, प्लांट मोर ट्रीज एंड नॉट कट ग्रीन ट्रीज और प्लक फ्लावर्स। अपने आसपास को साफ सुथरा रखने के लिए हमें गली में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए व फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगेन रीड, हाउ डू द नेबरहुड हेल्प ईच अदर। पड़ोसी एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। हाउ डू द नेबर्स हेल्प ईच अदर। पड़ोसी एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। आंसर इज नेबर्स हेल्प अस बाय शेयरिंग आवर जॉयस एंड सोर्स। पड़ोसी हमारे सुख दुख को साझा करके हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू टू कीप योर नेबरहुड क्लीन। अपने पड़ोस को साफ रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आंसर इज टू कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन स्ट्रीट्स, प्लांट्स मोर ट्रीज एंड नॉट कट ग्रीन ट्रीज और प्लक फ्लावर्स। अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखने के लिए हमें गली में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए व फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 7 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है और साथ में इसे अच्छे से लर्न भी करना है और साथ में अपनी नोटबुक में राइट भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।